मैंने कुछ क्लिप देखा और मैं भी बिलीव नहीं कर रहा था। आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं है। उन्होंने बोला यस दिस इज इट। तो वही मैंने उनको बोला कि ये सेलिब्रेशन जारी रखना, मैं कल डोंगरी पे जरूर आऊंगा। और ये अनरियल है, और ये प्यार झगड़ा करना बिग बॉस के घर में बहुत वो काम है तो नहीं है। झगड़ा करना हम सबको पता है कि झगड़ा करना सबसे आसान काम होता है, झगड़ा ना करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं कहीं ना कहीं अगर वो उसको अभिषेक भी डिजर्व करता था, और हम दोनों वहां जब खड़े थे तो वेरी ओके कि अगर मैं नहीं जीता तो हाँ अभिषेक जीते। एक स्टेप जो बैक लेते ना, ऐसा लगता है कि यार शायद मैं आगे ना लूं बट वहीं पर रुक जाऊं। तो जी मैंने वो चीज करी और उससे भी कोई मेरे और मनारा के रिश्ते में फर्क नहीं आया। तो हम लोग कंफर्टेबल ही थे। जो तो आपसे चीजें सुन रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन भी सुनी है, मैंने कुछ देखा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। आपको भी बताया, मैं बाहर आकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गो एंड सी थिंग्स कि क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मैं हूँ मुनावर फरूकी के साथ, जो विनर है बिग बॉस 17 के। थैंक यू वेलकम, आईना। बिग कंग्रेचुलेशंस, और ये आपका बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट है आई एम गेसिंग। डेफिनेटली फैंस ने मुझे गिफ्ट दे दिया आपने मेरे बर्थडे पे, तो थैंक बिल्कुल। यू सो मच। आई डोंट नो अगर आपने क्लिप्स देखे हैं, पर अभी पूरी डोंगरी इज लाइक लिट अप कम्प्लीटली, और ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई फेस्टिवल चल रहा है। मैंने ऐसा लास्ट मैंने कब नहीं मैंने नहीं देखा है मुंबई में। मैंने कुछ क्लिप देखा और मैं भी बिलीव नहीं कर रहा था। आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं है। उन्होंने बोला यस दिस इज इट। तो वही मैंने उनको बोला कि ये सेलिब्रेशन जारी रखना, मैं कल डोंगरी पे जरूर आऊंगा। और ये अनरियल है, और ये प्यार के लिए बस मारा जाऊं। A lot of people said कि बहुत खुश है आपके लिए, पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद आपका गेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्या यही स्ट्रैटेजी थी कि कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप अपने पेशेंस के साथ आगे चलना है? देखिए, बिग बॉस के घर में झगड़ा आसान है, पेशेंस मुश्किल है। कोई भी अगर कहे कि झगड़ा करना बिग बॉस के घर में बहुत वो काम है तो नहीं है। झगड़ा करना हम सबको पता है कि झगड़ा करना सबसे आसान काम होता है, झगड़ा ना करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं कहीं ना कहीं अगर वो उसको पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में ही भाई ने बहुत चीजें कही थी कि घर घर में अपने ऐसे रहते हो, सिविलाइज तरीका सीखो रहने का। और पहले तो ये बिग बॉस का घर है, कोई शो नहीं है। तो ये सारी चीजों को जहन में रख के, और कहीं ना कहीं मैं घर में ऐसे ही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बात करके सलीके से अगर तरीके से चीजें सॉल्व कर सकता तो मुझे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जी और बिग बॉस के घर में ऐसे होता है कि आप अपना ओपिनियन देते हो, सामने से अगर ओपिनियन आया तो ठीक है, सामने से अगर ऊंची आवाज में ये आ गए तू कौन है तो आई कांट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। जी सो मैं ये सब चीजों को नहीं एंटरटेन करता था, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि चुपचाप है, बट मैंने अपना काम किया है। और बिग बॉस शो जीतने के लिए झगड़े की जरूरत है। पर क्या आपको लगता है कि आपने आपने ये ट्रॉफी को डिजर्व किया है कहीं ना कहीं यस, विद द स्ट्रेटजी? पहले दिन से मुझे लगा, और एंड में भी मुझे लगा है कि मैं डिजर्व करता था। कभी ये डाउट नहीं हुआ कि अभिषेक नहीं करता था, हमेशा लगा कि अभिषेक भी डिजर्व करता था। और हम दोनों वहां जब खड़े थे तो आई वाज वेरी ओके कि अगर मैं नहीं जीता तो हाँ अभिषेक जीते। बिल्कुल। और जैसे हमने मरारा से भी बात की अभी, और मैंने पूछा कि आपको कभी फीलिंग्स आए मुनावर के लिए, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि स्टार्टिंग में हमने जैसे सलमान जी भी आपको बोलते थे कि आप पिघल रहे हो कहीं ना कहीं, क्या आपको फीलिंग्स आ रहे हो? तो फिर आपने रोक लिया क्योंकि आप शो पे हो, लोगों ने कहा कि आपका ये स्ट्रेटेजी रह चुका है, आप कॉन्शियस हो गए तभी? नहीं, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर कि मनारा जब मुझे दिखाई दिया इन फर्स्ट वीक में, आई रियलाइज कि ये सच में ऐसी है, इसको कुछ नहीं पता है। और तो मैं, मेरी जब उससे अच्छी दोस्ती हो गई तो मैं उसको समझाता था चीजें वीजें, और आई वॉज बींग केयरफुल, और मैं केयर करता था उसकी। अब वो बाहर उस वे में अगर दिख रहा था ना, मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा दिख रहा है, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेप जो बैक लेते ना, ऐसा लगता है कि यार शायद मैं आगे ना लूं बट वहीं पर रुक जाऊं। तो मैंने वो चीज करी और उससे भी कोई मेरे और मनारा के रिश्ते में फर्क नहीं आया। तो हम लोग कंफर्टेबल ही थे बट कोई फीलिंग्स उस वे में नहीं थी कभी भी कोई पॉइंट नहीं। बिल्कुल। और जैसे आपका घर में स्पेशली हमने देखा कि बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था जब आयशा आई थी, उसने आपको कन्फ्रंट किया। आयशा के टच में रहोगे आप यहाँ से जाकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोस्त भी थी और आपका बॉन्ड अच्छा था, विल यू बी इन टच विद हर? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ कि अभी जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे चीजें, मैं हमेशा ऐसा इंसान रहा हूँ, लेट गो वाला बहुत इंसान रहा हूँ अपनी लाइफ में, बट कभी कभी कुछ चीजों को खत्म करने के लिए, कुछ चीजों को
सही तरीके से फुल स्टॉप देने के लिए जो चीजें सीखनी है मैंने शायद ये जर्नी में वही सीखी है एंड आई वांट टू वर्क ऑन दैट एंड रिश्तों में क्लैरिटी सो बी अराउंड द पीपल जो मैटर करे आपको या जिनकी लाइफ में आप मैटर करो. बिल्कुल. और जैसे आई डोंट नो अगर आपको कहा है नाजिला ने भी स्टेटमेंट्स दिया था लाइव जाके और इंस्टाग्राम पे कह के कि उसको वो हर्ट थी वो रो रही थी. आप नाजिला से बात करोगे क्योंकि आप वो सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए. मैं डेफिनेटली वो चीजें हैं बट मैं जो आपसे चीजें सुन रहा हूँ मैंने क्वेश्चंस भी सुनी है मैंने कुछ देखा नहीं मुझे कुछ पता नहीं है आपको भी बताया मैं बाहर आकर इंटरव्यूज दे रहा हूँ. आई वांट टू गो एंड सी थिंग्स कि क्या है. उससे पहले मैं ना जवाब दे पाऊंगा ना मैं रिएक्ट कर पाऊंगा. सो आई रियली नीड टू. आप टच में रहोगे लाइक कोशिश करोगे बात करने की? आई डोंट नो जस्ट यू हैव टू फिगर. अनुराग ने भी मुझे कहा था मेरे इंटरव्यू में कि मुनावर के साथ जैसे जो चीजें बाहर आई है आप लड़कियां शायद सेफ फील नहीं करेगी उस पे आप क्या कहोगे? आई थिंक वो लड़कियां ही उस चीज का जवाब दे दे कि जो घर में लड़कियां थी उसकी बात कर रहा था बाहर की बात कर रहा था. आई डोंट नो बट जो इंसान आपको नहीं पसंद करता ना उस इंसान का आपके लिए कुछ भी बोलना बहुत आसान है जी. बट मेरे ख्याल से जो लोग आपको पसंद करते हैं वही इसका आंसर दे सकते हैं. और मेरे जो एक्शन है मतलब ऐसे नहीं है वर्क विद अ लॉट ऑफ वुमेन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उन्हें पता है मैं कितना कंफर्टेबल उन्हें रखा है कितना रिस्पेक्टेबल रहा हूँ उनके टूवर्ड्स. तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई हिस्ट्रीज है या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मेरी अनुराग की बात को सही करे. वेरी ओके विद दैट कि उसको ये लगता है बट मेरे एक्शन और मेरा काम जो है वो तुझे रॉन्ग प्रूफ कर देगा. डजंट मैटर फॉर मी उसका ओपिनियन. Awesome. All the best. यहाँ से आपकी करियर और भी ज्यादा ऊपर जाने वाली है और रोज हम सुनेंगे और वी विल चैट विद यू सुपर सून. थैंक यू सो मच. थैंक यू.